फाइनली गाइस हमारे यूट्यूब चैनल का माइलस्टोन कंप्लीट हो चुका है। 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉचिंग घंटा कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपका एज 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर आएंगे और उसके बाद आपको अपने लोगो पे क्लिक करना होगा। उसके बाद YouTube स्टूडियो पर जाना होगा। देन आपको लेफ्ट साइड में आना होगा इस साइड, और यहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन का एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉचिंग घंटा कम्प्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना होगा, ये यदि आपका कम्प्लीट हो तो। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको तीन स्टेप दिख रहा है, इस तीनों स्टेप को आपको फिल करना होगा। फर्स्ट नंबर पर जो दिया है रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स, इस पर आपको स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। ये टर्म एंड कंडीशन ये दिया हुआ है, इसको आप रीड कर सकते हैं, नहीं तो आपको इंस्टॉल करके नीचे के साइड आना होगा और इसको एक्सेप्ट करना होगा। और यहाँ पर एक्सेप्ट टर्म्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर को क्लिक कर देना होगा। थोड़ा वेट करेंगे जब तक यहाँ ग्रीन टिक ना लग जाए। यहाँ पर डन हो चुका है। उसके बाद नीचे आएंगे सेकेंड स्टेप पर, और यहाँ पर आपको स्टार्ट पर क्लिक करना होगा, तब जाकर आपको साइन इन होंगे गूगल एडसेंस पे। स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद अपने ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद एक आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है यहाँ पर, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू एडसेंस टू कंप्लीट दिस स्टेप। यहाँ पर आपको गूगल एडसेंस, यदि आपके पास गूगल एडसेंस है तो दोबारा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। यदि आपके पास है तो यस वाला आइकन को सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ जो सेकेंड नंबर में नो दिया हुआ है, नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, उस पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपने ईमेल को सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर आना होगा और आपको फर्स्ट वाला आइकन को सिलेक्ट करना होगा कि जब भी गूगल एडसेंस का कोई अपडेट आए तो आपके पास भी आए। उसके लिए आपको यस पे क्लिक करना होगा। फिर नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पर आपके अपने कंट्री को डालना होगा, किस देश में आप रहते हैं। उसके बाद इस टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना होगा। नीचे आके वो आएंगे पूरा, और यहाँ पर चेक कर देंगे और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अकाउंट टाइप्स में आपको इंडिविजुअल ही भरना है, बिजनेस आपको कभी नहीं भरना है, आपको इंडिविजुअल यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने नेम को डालना होगा। डॉक्यूमेंट्स पे जो आपका नाम हो वही नाम को यहाँ पे इंटर करेंगे, अपने चैनल को नाम को इंटर नहीं करना है। यहाँ पे एड्रेस फर्स्ट को डालना है और सेकंड के, और यहाँ पर आपको टाउन या सिटी को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपका पोस्टल कोड डालना होगा, मीन्स पिन कोड, और उसके बाद अपने स्टेट को डालना होगा और एक मोबाइल नंबर डाल देंगे, सही रहेगा। उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। ये सब अच्छा तरीके से भर लेने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिट, इस पर क्लिक कर देंगे। रीडायरेक्टिंग हो रहा है आप होस्ट पे, यहाँ से आपको रीडायरेक्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको स्टेप टू में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इन प्रोग्रेस। यहाँ पर आपको कुछ समय लगेगा, कुछ दिन लगेगा, सेवरल डेज, तब जाकर आपको प्रूव होगा। उसके बाद आपको अंडर रिव्यू में चला जाएगा आपका चैनल। रिव्यू होने के बाद आपका गूगल एडसेंस, कुछ दिनों के बाद आपको कुछ नहीं करना होगा और आपका चैनल ऑटोमेटिक मोनेटाइज हो जाएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आपको थोड़ा समय रुकना होगा, वेट करना होगा। सो गाइस इस तरह हम लोग गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। यदि अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।